हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा LRS के बारे में, जिसे लिक्विड रोटर स्टार्टर या लिक्विड रेजिस्टेंस स्टार्टर भी कहते हैं। हमने अभी देखा था कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, इसके रोटर सर्किट में हम लोग एक्सटर्नली रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं, ताकि हम लोग मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सके। पर यह किया कैसे जाता है इंडस्ट्रीज में? प्रैक्टिकली आप किसी भी स्लिप रिंग मोटर में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कैसे करते हैं, ये वर्क कैसे करता है, ये आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, जो LRS होता है, ये बेसिकली एक बड़ा सा टैंक होता है। ये टैंक के अंदर आप पानी भरते हैं और उस पानी में सोडियम कार्बोनेट कास्टिक सोडा का जो एक पाउडर आता है वो मिक्स करते हैं। तो जब आप पानी में सोडियम कार्बोनेट कास्टिक सोडा का जो पाउडर ऐड करेंगे, तो एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनेगा। तो बेसिकली LRS एक टैंक होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हम लोग फिल करते हैं। इसके अलावा ये टैंक के अंदर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरफ मूव होते हैं। इसका वर्क क्या होता है, ये कैसे होता है, ये मैं आपको बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो बेसिकली ये जो टैंक है, ये पानी से भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से भरा हुआ है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोड है। इसके अलावा हम लोग एक कंट्रोल पैनल इसमें रहता है, जिसमें नंबर ऑफ कॉन्टैक्टर्स लगे रहते हैं और एक PLC लगा रहता है, एक टाइमर लगा रहता है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए, जो बड़ी मोटर्स होती है, पहले आप ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा कि LRS उन्हीं मोटर्स में लगाया जाता है जिनकी रेटिंग 500 kW से ज़्यादा हो। जैसे हमारी इंडस्ट्रीज़ में तीन जगह LRS लगा है, एक है 980 kW की मोटर, एक है 5000 kW की मोटर और एक है 6500 kW की मोटर। तो बेसिकली अगर आपकी मोटर 500 kW से ज़्यादा की रेटिंग की है, उन्हीं सिस्टम में हम लोग LRS को लगाना प्रीफर करते हैं। अब इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि देखिए, एक मोटर है, वो मोटर से आपने एक भारी भरकम लोड को कनेक्ट करके रखा है। अब जब आप उस मोटर को चालू करेंगे, तो उस मोटर को सबसे पहले तो खुद को घुमाना है और उसके साथ साथ जो भारी भरकम लोड कनेक्टेड है उस मोटर के साथ, उसको उसे भी घुमाना है। तो जब कोई मोटर रुकी हुई है, तो शुरुआत में जो टॉर्क है वो बहुत ज़्यादा हाई चाहिए होता है, क्योंकि मोटर को सबसे पहले तो खुद को घुमाने के लिए भी ताकत चाहिए और जो भारी भरकम लोड कनेक्टेड है उसको घुमाने के लिए भी ताकत चाहिए। तो अगर हम लोग सिर्फ मोटर की बात करें, तो मोटर में इतना हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता कि वो इतने भारी भरकम लोड को इनिशियली उठाकर पूरी तरीके से घुमा सके। तो इसलिए हमें उसके रोटर सर्किट में एक रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ता है, सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस ऐड करने पड़ते हैं, ताकि हम उसे वो स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करा सके, जिससे वो ना केवल खुद का रेजिस्टेंस ओवरकम करे, खुद को घुमाए और जो लोड कनेक्टेड है उसको भी सक्सेसफुली घुमा पाए। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई मोटर चालू होती है, अब हमारे पास टैंक है, ये जो LRS का टैंक है, इससे हम लोग केबल लेकर जाएंगे और आपके मोटर के जो रोटर टर्मिनल बॉक्स है उसमें जाके कनेक्ट करेंगे। देखिए, जो बड़ी मोटर्स होती है, जो स्लिप रिंग मोटर्स होती है, उसमें दो टर्मिनल बॉक्स होते हैं। एक होता है स्टेटर टर्मिनल बॉक्स और एक होता है रोटर टर्मिनल बॉक्स। ये रोटर टर्मिनल बॉक्स लगाया ही इसलिए जाता है कि अगर आप एक्सटर्नली रेजिस्टेंस ऐड करना चाहे, तो रोटर सर्किट में रोटर टर्मिनल बॉक्स के थ्रू आप रेजिस्टेंस ऐड करेंगे, कनेक्शन रोटर टर्मिनल बॉक्स में करेंगे। तो जब आपकी मोटर ऑन होती है, तो शुरुआत में जो इलेक्ट्रोड रहता है LRS टैंक के अंदर, वो एक कॉर्नर में रहता है। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट रेजिस्टेंस आपके सर्किट में है। ये जो LRS टैंक है, जो अंदर सॉल्यूशन है, ये एक्ट करता है एज अ रेजिस्टेंस। तो शुरुआत में आपके मोटर में मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, ताकि जब मोटर ऑन हो तो उसे मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क मिल सके, क्योंकि शुरुआत में रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, उतना हाई स्टार्टिंग टॉर्क मोटर को मिलेगा। और हमारा पर्पज़ यही है कि हमें स्टार्टिंग में हाई रेजिस्टेंस टॉर्क मोटर को प्रोवाइड करना है। तो जब आपकी मोटर स्टार्ट होगी, उस कंडीशन में मुझे स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम चाहिए, तो उस कंडीशन में मुझे रेजिस्टेंस भी मैक्सिमम रखना पड़ेगा। तो जब भी मोटर चालू होती है, तो LRS उस मोटर को मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ताकि स्टार्टिंग में मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क मिल सके। उसके बाद जो टाइमर होता है, वो टाइमर हर 3-4-5 सेकेंड में थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस सर्किट से कट ऑफ करता जाता है। आपका जो इलेक्ट्रोड है, ये टैंक के अंदर मूव होना शुरू होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोड मूव होगा,
वैसे वैसे वो कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक वॉल्यूम को कवर करेगा और आपका रेजिस्टेंस वैसे वैसे कम होता जाएगा। जैसे जैसे आपके सर्किट का रेजिस्टेंस कम होगा, आपके मोटर की स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगेगी। क्योंकि देखिए, एक बार मोटर स्टार्ट हो गई, एक बार मोटर अपने रनिंग में आ गई, अब उसे उतने स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है जितने शुरुआत में थी। तो इसीलिए शुरुआत में हमने मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस सर्किट में रखा था। अब टाइमर धीरे धीरे कुछ कुछ पार्ट ऑफ रेजिस्टेंस को कट ऑफ करता जा रहा है। आपका जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड जो टैंक है, वो टैंक के अंदर वो इलेक्ट्रोड मूव हो रहा है, जिससे रेजिस्टेंस धीरे धीरे कट ऑफ हो रहा है। आपकी मोटर की स्पीड बढ़ती जा रही है। जब आपकी मोटर 75-80% ऑफ इट्स रेटेड स्पीड पहुंचेगी, जैसे मान लीजिए आपकी मोटर 1500 RPM की है, तो जब वो मोटर 80% ऑफ 1500 RPM तक पहुंचेगी, तब LRS क्या करेगा, अपना पूरा रेजिस्टेंस सर्किट से आउट कर देगा और आपकी मोटर को फुल RPM में घुमा देगा। तो उससे क्या होगा, अब एक बार आपकी मोटर फुल RPM में आ गई, तो अब उसे कोई एक्स्ट्रा टॉर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब उसे कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वो मोटर खुद भी घूम सकती है और जो भारी भरकम लोड उस मोटर के साथ कनेक्टेड है, उसको भी सक्सेसफुली घुमा सकती है। तो अब उसे कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जो LRS रहता है, ये मोटर के स्टार्टिंग टाइम में ही सर्किट में रहता है। एक बार आपकी मोटर 80% ऑफ रेटेड स्पीड पर पहुँच गई, उसके बाद LRS सर्किट से आउट हो जाता है और अब आपकी मोटर फ्रीली घूमने लगती है, जैसे उसको खुद की ताकत से ही अब लोड को घुमाने लगती है, एक्स्ट्रा कोई सपोर्ट उसको नहीं रहता। तो इस तरीके से LRS का यूज़ करके हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, ये LRS का कॉन्सेप्ट मैं समझ सकता हूँ आपके लिए बहुत नया होगा, आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे, ये भी मुझे पता है। आप मुझसे कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। मैं आपसे मिलता हूँ दोस्तों कल ऐसी एक प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।